नमस्कार दोस्तों, मैं करण पांडे और मुझे देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो भैया लोग, ये हैं करण पांडे, ऐसे तो हैं ये खलनायक, लेकिन हीरो से कम समझते नहीं है, क्यों करण जी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हर आदमी हीरो होता है। आप जैसे हीरो हैं वैसे ही हमारी इंडस्ट्री के सब हीरो हैं, और हम अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए तो हीरो हैं। फिल्म में भूमिका हम खलनायक की निभाते हैं। वैसे आदमी आप कैसे हैं, विलेन वाला रियल लाइफ में है या हीरो वाला? मैं रियल लाइफ में तो एकदम हीरो वाला हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले करण जी, और कब से सिनेमा इंडस्ट्री में आप जुड़े हुए हैं? मैं बेसिकली तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ, और फिल्मों में जुड़ा हूँ समझिए 1996 से। मैं थिएटर के बाद सीरियल के बाद में पहले हिंदी फिल्म किए, हिंदी सीरियल्स किए, बाद में भोजपुरी फिल्म में आना हुआ। पहली फिल्म या पहली वो टीवी सीरियल कौन सी थी जिससे जुड़ने की कहानी आज तक आपको याद हो? अपराजिता, हिंदी DD1 पे आती। कैसे मिली थी? एंड रिपोर्टर सीरियल। हम लोग थिएटर करते थे, हमारे गुरुजी थे स्वर्गीय श्री गिरीश देसाई जी भाऊ साहब, उनके यहाँ थिएटर करते थे, वहीं से हमको वो सीरियल मिला था। अभी तक भोजपुरी सिनेमा की हम बात करें तो कितने फिल्में अभी कर चुके हैं आप? लगभग 45 फिल्में। हीरो की बात करेंगे तो कौन कौन से हीरो के साथ अभी तक काम किए होंगे? सबके साथ में काम, जैसे नाम हमारे दिनेश जी हो गए, पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, चिंटू भाई हो गए, कल्लू जी हो गए, और रितेश भाई हो गए, राकेश मिश्रा, सारे लोगों के साथ, लगभग सारे हीरोज के साथ में काम कर। मनोज तिवारी के साथ में काम नहीं कर चुका हूँ, मतलब एज एन एक्टर नहीं, एज ए हमारे प्रोडक्शन हाउस में मनोज जी फिल्म किए थे वहाँ से। अभी क्या कुछ चल रहा है नई फिल्में या रिलीज पे कौन कौन सी है? रिलीज पे तो मेरी फिल्में हैं, एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बहुत टाइम से अभी रुकी है, बहुत जल्दी आ रही है, गबरू है महेश पांडे जी की, और प्रेम राय जी की है बॉस, और लिट्टी चोखा खेसारी भाई के साथ में आ रही है प्रदीप शर्मा जी की, एंड प्रदीप सिंह जी की दो फिल्में मेरी तैयार हो गई हैं, माई बाबू जी के आशीर्वाद, और अभी अभी मैं करके आया हूँ loveyouare.com, और क्या नाम है, यश जी के साथ में मैंने Beti No. 1 किया है, बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। लिट्टी चोखा की बात हो और खेसारी काजल की अगर हम चर्चा न करें तो फिर इंटरव्यू थोड़ा अधूरा लगता है, कैसा रहा आपका उनके साथ बॉन्डिंग शूटिंग दरमियान? बहुत अच्छा, मेरा तो यूजुअली बहुत अच्छा रहता मेरे खेसारी जी के साथ, हालांकि मैंने बंधन से स्टार्ट किया था, बट लिट्टी चोखा के पहले भी मैंने खेसारी जी के साथ कई फिल्में की हैं, लाइक जिसमें काजल जी और खेसारी जी की जोड़ी थी सुपर डुपर हिट फिल्म मेहंदी लगा के रखना, उसके बाद मैंने आतंकवादी किया, फिर अभी ये फिल्म किया, और कई फिल्में की। इस फिल्म के, लिट्टी चोखा की फिल्म का कोई ऐसा सीन बता जो अब तक याद हो और हंसी से आप लोग लोटपोट हो गए? एक्चुअली मैं शेड्यूल के एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचा, जहां से मेरा काम शुरू होता था, तो हम लोग एकदम विलन वाले फुल मूड में थे, तो वहां कॉमेडी हुई नहीं हमारे पैच में। अच्छा, मार खाने में अच्छा लगता है मारने में? नहीं, दोनों में अच्छा नहीं लगता। अच्छा। मैं किसी को मारना भी नहीं चाहता हूँ ना मार खाना चाहता हूँ, बस मेरे डायरेक्टर की डिमांड होती है कि कुछ मार खाना जरूरी। खेसारी लाल यादव जी और काजल राघवानी को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा इस वक्त इंडस्ट्री में चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे एक्चुअली मैं शूटिंग पे था, तो मुझे हम लखनऊ में जहाँ पे थे वहाँ नेटवर्क का इशू था, कुछ सुनाई दिया कुछ कंट्रोवर्सी, बट क्या है एग्जैक्ट अभी मैं परसों ही आया हूँ, तो मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। खेसारी जी ने बोला है कि मुझे दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनने पे मजबूर ना करें, इस पे कुछ कहेंगे? समझा नहीं मतलब। सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड के हमारे अभिनेता हैं वो फांसी लगाए थे, ऐसा गवर्नमेंट का? नहीं, मैं चाहता हूँ भगवान की दया से सबकी उम्र लंबी हो, और हमारे खेसारी भाई जो हैं इंडस्ट्री के एक बहुत ही रिनाउंड स्टार हैं, और ऐसा विचार भी उनके दिमाग में ना आए, और ऐसा करेंगे भी नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके द्वारा कुछ आपने अभी कुछ दिन पहले मीरा रोड में कुछ सम्मान किया था, गुलदस्ता दिया था, क्या कुछ रहा? नहीं, वो ऐसा था कि जहाँ मेरा ऑफिस है उसके बगल में खेसारी भाई का घर है, तो बहुत टाइम से हम मिले भी नहीं थे, ये लॉकडाउन के पीरियड में तो कभी मिलना ही नहीं हुआ, तो ऐसे ही बात हुई कि कहाँ पे हैं, तो वो राकेश मिश्रा जी, विजय यादव जी और डायरेक्टर सुजीत सिंह जी सब वहाँ से जा रहे थे, अचानक फ़ोन आया कि कहाँ पे हैं, तो वो मैंने ऑफिस का एड्रेस बताया, और सम्मान अतिथि देवो भव की तरह से मैंने सबका सम्मान किया, हमारे ऑफिस में आए बैठे,
बहुत टाइम तक, बहुत टाइम बाद में करीब 2-3 घंटे तक हमारे हंसी मजाक सीरियस सारी चीजें बात होते रही, अलग अलग फिल्मों को लेके बातें होते रही। कोई ऐसी बात जो आपके उनके बीच में कोई जानता नहीं हो? हाँ वो तो मैं और वही जानते हैं ना। तो बताइए दर्शकों को। नहीं तो ये बात कहाँ पे रहेगी, वो जब मेरी और उनकी बात है तो मैं तीसरे को क्यों बताऊँ। उनके साथ अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आपका? अभी अभी तो बता रहा हूँ कि मैंने अभी ये किया है, कुछ फिल्में लाइनअप है, लेकिन भोजपुरी के हिसाब से मैं जब तक शूट पे नहीं चले जाऊं और 2 दिन शूट ना कर लूं तब तक मैं नहीं समझता कि मैं किसी फिल्म का हिस्सा हूं। अभी किस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और हीरो कौन था? मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था loveviva.com, प्रदीप सिंह जी की फिल्म है और चिंटू जी हीरो हैं उसके। कैसा रहा चिंटू के साथ आपका तालमेल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्शक आपको सिनेमा में ज्यादा प्यार करते हैं कि सामने से करते हैं? दर्शक तो मुझे सिनेमा, क्योंकि दर्शक हैं तो सिनेमा से तो प्यार करते ही हैं, मेरे रोल को प्यार करते ही हैं, और जब हम रूबरू होते हैं तो और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। फिल्म बॉस के प्रोड्यूसर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बॉस में भी अच्छा आपने काम किया है। टाइगर के बारे में क्यों नहीं कहेगा, वो वैसे ही भोजपुरी के एक दबंग प्रोड्यूसरों में हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे बड़ी बात कि इंसान कैसा है वो ज्यादा, ऐसे नाम जैसे प्रेम राय है तो क्या तो प्रेम करते हैं आपसे वो? बहुत प्रेम करते हैं, आज इसीलिए तो आके बैठा हूँ। कुछ कहना चाहते हैं? मैं आया दरअसल 2 दिन पहले उनका फोन आया था, तब मैं शूट से जस्ट आया ही था, तो मेरी बात हुई प्रेम जी से, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 27 को कहाँ पे हैं, तो मैंने बोला मैं तो बॉम्बे में हूँ, तो अचानक उन्होंने बोला कि 27 तारीख को मुहूर्त कर रहे हैं 5 बहुत बड़ी फिल्मों का जो लखनऊ में, और ये उद्घाटन समारोह जो है वो बाबा के हाथों होना है, योगी आदित्यनाथ जी के हाथों होना है, उनकी 5 बड़ी फिल्मों का, तो बस उसी लिए कुछ बात करनी थी तो हम आए हुए थे। तो 5 बड़ी फिल्मों में हीरो कौन कौन से जानकारी है? 5 बड़ी फिल्मों में हैं हीरो रवि किशन जी हैं, खेसारी जी हैं, दिनेश लाल जी हैं, कल्लू जी हैं, चिंटू जी हैं। अच्छा सारे हीरो हैं जी, सारे हीरो। तो सारे हीरो का विलेन आप ही होने वाले इस बार? देखिए मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि जब तक मैं फिल्म के सेट पे पहुंच के शूट ना कर लूं तब तक मैं अपने आप को किसी फिल्म का हिस्सा। करण पांडे जी लास्ट क्वेश्चन, जाते हैं दर्शकों से क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही जैसे प्यार दे रहे हैं आप मुझे और मेरी फिल्मों को, इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें और अपना ख्याल रखें। जिस तरह ये कोरोना एक महामारी अब धीरे धीरे दूर हो रही है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।